हेलो दोस्तों, रोचक मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुनिया के 10 सबसे अमीर हस्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पास बेहिसाब दौलत थी। मनसा मूसा। दोस्तों, सबसे पहला स्थान पर मनसा मूसा है जिन्होंने माली पश्चिमी अफ्रीका में राज किया। बता दें कि मनसा मूसा 1280 से लेकर 1337 तक टिम्बकतु के राजा थे। कहते हैं कि इनके पास इतनी दौलत थी कि जिसका आज तक कोई हिसाब ही नहीं लगा पाया है। अगस्टस सीजर। दोस्तों, दूसरे पायदान पर अगस्टस सीजर 63 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक जिन्होंने रोम देश पर राज किया। बता दें कि इनकी कुल संपत्ति $4.6 ट्रिलियन की आकी गई है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक आर्थिक स्थिति में उनके साम्राज्य की हिस्सेदारी 25 से 30% तक थी। सम्राट सेंजोंग। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं सम्राट सेंजोंग। 1048 से 1085 का था इनका दौर जिन्होंने चीन पर शासन किया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सेंजोंग ने वैश्विक डीजीपी के 25 से 30% हिस्से के बराबर वाले साम्राज्य पर शासन किया था जिसने चीन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी थी। सम्राट अकबर। दोस्तों, मुगल वंश के सबसे महान शासक माने जाने वाले अकबर 1542 से लेकर 1605 ईस्वी तक भारत पर राज किया था। बता दें, उनके दौर में भारत की प्रति व्यक्ति डीजीपी की तुलना इंग्लैंड के एलिजाबेथ युग से की जा सकती है। जोसेफ स्टालिन। दोस्तों, स्टालिन 1878 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में ताना साथ है और वे इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। सोवियत संघ यानी उन्होंने पृथ्वी के 6वें हिस्से पर शासन किया था। अपने दौर में वैश्विक डीजीपी के 9.6% हिस्सेदारी वाले देश का संपूर्ण नियंत्रण उनके पास ही था। ऐसे में उनकी संपत्ति को देश की संपत्ति से पृथक करना मुश्किल है। एंड्रयू कार्नेगी। दोस्तों, 6वें स्थान पर काबिज है अमेरिका के एंड्रयू कार्नेगी 1835 से लेकर 1919 तक, जिनकी संपत्ति आज $372 अरब यानी आज के हिसाब से 23,622 अरब रुपये आंकी गई है। बता दें कि इन्होंने अपनी कंपनी US स्टील को JP मॉर्गन को $480 मिलियन में बेची थी। कहा जाता है कि वो रकम उस समय के दौरान अमेरिकी GDP का करीब 2.1% हिस्सा थी। जॉन डी रॉकफेलर। दोस्तों, 7वें नंबर पर जॉन डी रॉकफेलर 1839 से 1937 जो अमेरिका के रहने वाले थे। बता दें कि इस साल 1880 में उनकी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल का कुल अमेरिकी तेल उत्पादन के 90% हिस्से पर कब्जा था। उनकी संपत्ति $341 अरब यानी 21,653 अरब रुपये थी। एलन रूफस। दोस्तों, इंग्लैंड के शासक एलन रूफस जो 1040 से 1093 ईस्वी तक शासन किया, जो इस समय 8वें पायदान पर हैं, वे इंग्लैंड के राजा विलियम के भतीजे थे। उस वक्त एलन रूफस की संपत्ति GDP का 7% थी। बिल गेट्स। दोस्तों, 9वें पायदान पर काबिज है अमेरिका के बिल गेट्स। बता दें कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। आज वो दुनिया के सबसे अमीर जीवित शख्स में से हैं और दूसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति में करीब $8 अरब ज़्यादा संपत्ति रखने वाले। उनकी संपत्ति $78.9 अरब यानी तकरीबन 5,010 अरब रुपये है। चंगेज़ खान। दोस्तों, 10वें स्थान पर आते हैं चंगेज़ खान। इन्होंने 1162 से लेकर 1227 तक जिनका मंगोलियाई साम्राज्य था, उनकी संपत्ति में बेहिसाब ज़मीनें थीं। दोस्तों, चंगेज़ खान को इतिहास में सबसे बड़े भूभाग पर शासन करने वाला शासक बताया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।